नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस की ओर से नई वैकेंसी की सूचना जारी कर दी गई है। कुल पद को हम लोग देखें तो 21,391 पदों पे ये वैकेंसी आ रही है। बहुत जल्द ये 2-4 दिन में या 1 सप्ताह के अंदर ही जारी हो जाएगा, तो जल्दी से तैयारी शुरू कर दें और नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि केंद्रीय चयन पर्षद को अधिसूचना भेज दी गई है। अब केंद्रीय चयन पर्षद CSBC के द्वारा नोटिफिकेशन जारी की जाएगी और 21,000 से ज़्यादा पदों पे, देख सकते हैं 21,391 पदों पे ये वैकेंसी आएगी और इसमें 12वीं इंटर पास वालों को मौका दिया जाएगा। और इसके लिए हम लोग पूरी जानकारी जानने के लिए क्या करेंगे, देखिए पुलिस विभाग की ओर से, पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की गई थी आज, तो हम लोग पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लेते हैं कि क्या क्या बताया गया है वैकेंसी से जुड़ा हुआ, तो पहले उसे देख लेते हैं। बिहार पुलिस में अब तक की एक साथ बहाली की सबसे बड़ी संख्या के बारे में अब शीघ्र ही हम लोग नई एडवर्टाइजमेंट के साथ में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने वाले। कुल 21,391 पदों पर सिपाहियों की नियुक्ति के लिए रिक्विजिशन गृह विभाग के द्वारा रोस्टर क्लियर होने के उपरांत कल पुलिस विभाग ने सिपाही चयन आयोग, सिपाही भर्ती चयन पर्षद को भेज दिया। इतनी बड़ी संख्या में बिहार पुलिस में एक साथ सिपाहियों के पद पर कभी नियुक्ति नहीं हुई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी पिछले वर्ष गांधी मैदान में लगभग 10,000 कर्मियों की एक साथ नई नियुक्ति के बाद नियुक्ति पत्र हस्तांतरण की बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया। वो संख्या करीब 10,000। अब हम सीधे एक साथ एक विज्ञापन के तहत 21,391 सिपाहियों के पद पर नियुक्ति कर रहे हैं और आपके माध्यम से हम इस संबंध में आम जनता को भी अवगत कराना चाहते हैं। इस पूरी बहाली में 7,903 कुल पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। 21,000 तो हमारी महिला कर्मियों के लिए, महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा मौका है कि इतनी बड़ी संख्या में आए और बिहार पुलिस को सशक्त बनाने के लिए इस भर्ती में भाग लें। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, महिलाओं के लिए 36 आरक्षण 35% है और इसके अलावा पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए 3% पद आरक्षित है। कुल मिलाकर के 7,903 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। राज्य की महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम है। साथ ही साथ बिहार पुलिस में इतनी अधिक संख्या में महिलाओं की भर्ती संभवतः पहली बार एक विज्ञापन के तहत होगी। मैं आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी देना चाहता हूँ कि इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट रखी गई है, अतः उम्मीदवार का कम से कम इंटरमीडिएट होना उत्तीर्ण होना आवश्यक। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 18 से 25 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 18 से 27 वर्ष। इस वर्ग में जो महिलाएं हैं उनके लिए 18 से 28 वर्ष और अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष। गृह रक्षकों को इसमें कुछ छूट दी गई है। जो डिटेल जब विज्ञापन सिपाही भर्ती पर्षद द्वारा जारी किया जाएगा उसमें सारी की सारी जानकारी आप दी जाएगी। अभ्यर्थियों का चयन 2 चरणों में परीक्षा होगी, जिसमें लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा दोनों आयोजित की जाएंगी। तो ये अच्छा मौका है उन युवाओं के लिए जो कि लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा दोनों में दम खम रखते हैं, तैयारी में जुटे और बिहार पुलिस में बहुत भारी संख्या में ये रिक्विजिशन हमने कल भेज दिया है। जैसा आपको पता है कि अब ये सारी की सारी कार्रवाई सिपाही भर्ती बोर्ड के द्वारा की जाएगी, जिनके द्वारा विज्ञापन निर्गत किया जाएगा। विज्ञापन निर्गत करने के बाद अंतिम कट ऑफ डेट होगी, उस डेट तक जो विज्ञापन आएंगे, जो अभ्यर्थी आवेदन करेंगे उसके बाद में उनकी लिस्ट बनेगी। फिर प्रतियोगिता परीक्षा कैसे कैसे होगी, लिखित परीक्षा कैसे होगी और फिजिकल परीक्षा कैसे होगी, उसका पूरा चार्ट निकलेगा। हम लोगों को ऐसी उम्मीद है और आशा है कि जिस प्रकार पिछले वर्ष हमने नवंबर में ये 10,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दिलाया था,
इस वर्ष हम लोग 21,300 के आगे पदों पर नियुक्ति पूरी करें और इस वर्ष के दिसंबर होते होते तक हम लोग वैसा ही एक साथ बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने में सक्षम हो। लेकिन ये अभी प्रथम चरण है, अभी विज्ञापन होगा और उसके आगे की कार्रवाई होगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, केवल सिपाही की भर्ती नहीं, दरोगा की भर्ती के संबंध में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और करीब 1288 दरोगा के पदों पर शीघ्र ही नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में आपको अवगत कराएंगे। अभी रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया इसमें की जा रही है, संभावना है कि मई के महीने में इसके संबंध में भी हम लोग आपको अवगत। इसी के अलावा स्टेनो एएसआई के पद करीब 194, इन पदों के बारे में भी रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया चल रही है। ये भी उम्मीद है कि मई के महीने में हम इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देंगे। आप लोगों को पता है कि दरोगा के लिए एक दूसरा भर्ती आयोग है, पुलिस अवर सेवा चयन आयोग, और सिपाही की भर्ती के लिए सिपाही भर्ती परिषद। तो वो दोनों आयोगों में हम लोग अपनी अपनी रिक्रूटमेंट देते हैं और इस साल के होते होते वर्ष के समाप्ति के पहले हम लोग बड़ी भारी संख्या में। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही कि एडीजी के द्वारा घोषणा कर दी गई है कि कितनी सीटों पर ये वैकेंसी आ रही है, महिलाओं को कितनी सीटें दी गई हैं, उम्र कितना होगा, ये सब सारा जानकारी जो है एडीजी मुख्यालय की ओर से जारी कर दी गई है। तो जल्द से जल्द ये वैकेंसी आने वाली है, एक सप्ताह के अंदर ही हो सकता है जारी कर दिया जाए। तो जैसे ही वैकेंसी आएगी, ऑनलाइन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की और भी अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।